بسم الله الرحمن الرحीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स. मैं हूं सुहेल अहमद, SLSRoyal.com में खुश आमदीद. व्यूअर्स, हम लोगों ने जो अभी टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है NFA का, DFA के बाद वो प्ले लिस्ट आपको चैनल से मिल जाएगी. अब NFA में जो हमारी एग्जांपल है उसमें हमारे पास क्या है, ए स्टेरिक प्लस ए बी स्टेरिक. ठीक है, अब इसको हमने क्योंकि प्लस का साइन यहाँ पे या वाला जो है वो पर्पज इसका होता है कि या फिर ए स्टेरिक के लिए आपका एक्सेप्ट होना चाहिए या ये ए बी स्टेरिक के लिए एक्सेप्ट होना चाहिए. ठीक है, तो हम पहले इसको डिवाइड कर लेंगे कि किसी एक साइड वाला जो हमें इजी लगता है प्लस के लेफ्ट साइड पे या प्लस के राइट साइड पे, किसी एक साइड को हम पहले फुलफिल करेंगे, उसको एक्सेप्ट करवाएंगे, और देन दूसरी साइड को फुलफिल करेंगे, उसको एक्सेप्ट करवाएंगे. तो हमारा जो NFA है वो इजीली यहाँ पे आपका बन जाएगा. ठीक है, तो अब क्योंकि हमारे पास पहला जो आई थिंक जो इजी है वो ए स्टेरिक वाला जो है वो ज़्यादा इजी है, तो हम यहाँ पे ये करते हैं कि पहले इसको इसके लिए हम NFA बना लेते हैं और देन ए बी स्टेरिक के लिए हम NFA बना लेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि एक ट्रांजिशन है आपकी ए की, एक ट्रांजिशन, और इस एक ट्रांजिशन के लिए आपके पास दो स्टेट होना मस्ट है, तो यहाँ पे हम दो स्टेट बना लेते हैं. ठीक है, ये दो स्टेट हमारे पास बन चुकी है. सब यहाँ पे हमें ट्रांजिशन भी एक बनानी पड़ेगी, तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रांजिशन बना लेते हैं ए की. ठीक है, कोई ना कोई नाम भी दे देते हैं. हमारे पास ये क्यू जीरो है और देन ये हमारे पास क्यू वन है. ठीक है, क्लियर है. और देन जब भी हमारे पास ए की ट्रांजिशन एक आ जाएगी, यहाँ पे हम ए लिख लेते हैं. अब ए की ट्रांजिशन जैसे ही मेरे पास पहला ए आ गया तो ये आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी, इवन कि अगर कुछ भी ना आए तो फिर भी एक्सेप्टेड है, तो आपका क्यू नॉट भी जो है वो एक्सेप्टेड ही होगा, तो हम इस स्टेट को भी एक्सेप्टेड स्टेट बना सकते हैं. और देन अगर हमारे पास ए आ जाता है देन भी आपकी स्टेट एक्सेप्टेड ही रहेगी, और यहाँ पे आप सेल्फ लूप भी यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी आता रहे अगेन, क्योंकि आपका ए है तो ए कितने टाइम भी आए आपका ये एक्सेप्ट ही रहेगा, तो यहाँ पे आप ए लिख लें. अब ये जो फर्स्ट वाला है ए स्टेरिक, ये आपको यहाँ पे फुलफिल हो चुका है. अब अगर सपोज किया यहाँ पे आप ना इसके, तो हमने यहाँ पे क्योंकि स्टार्टिंग स्टेट हमारे पास यहाँ पे हमने इसको सपोज किया हुआ है क्यू नॉट को. अब अगर मैं यहाँ पे क्यू वन को भी स्टार्टिंग स्टेट रखता हूँ, सपोज किया मैं क्यू जीरो और ये जो ए की ट्रांजिशन ये ना भी बनाता, तो जस्ट ए स्टेरिक के लिए ये भी आपका ओके था क्यू वन. लेकिन अब क्योंकि मैंने साथ ही ए बी स्टेरिक को भी स्टार्टिंग स्टेट से लेके चलना है, तो जब इस तरह का सिनेरियो हो तो फिर हम स्टार्टिंग स्टेट में मोस्टली जो प्रीवियस है प्लस वाला साइन उसको हम कोशिश करते हैं कि वहां भी ये चीजें हैंडल ना करें. ठीक है, अब उससे मसला क्या हो सकता है देखें. अगर सपोज किया चले मैं वो आपको हम पहले ये बता लेते हैं ए बी स्टेरिक, और देन मैं आपको इशू बताता हूँ कि अगर मैं क्यू जीरो पे ही इस चीज को हैंडल करता तो फिर ये किस तरह इशू बन सकता था. अब ए बी स्टेरिक के लिए ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग में अगेन ए आना चाहिए, तो हम लोग यहाँ से एक ए की ट्रांजिशन दे देते हैं और यहाँ पे देन हम एक स्टेट बना लेते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं कोई ना कोई. तो यहाँ पे आपके पास क्यू टू आ गया और ये ट्रांजिशन जो है आपकी ए की ट्रांजिशन है. अब अगेन आपका जिस तरह हमने लास्ट एग्जांपल अगर आपको याद हुआ, हमने ए बी स्टेरिक की एग्जांपल की थी, लेकिन उसमें हमने क्या किया था कि हमने यहाँ से एक ट्रांजिशन ली थी और यहाँ पे मैंने बी लिख दिया था. तो अब ये ए बी स्टेरिक जब भी आपके पास आएगा, ए आएगा बी आएगा तो एक्सेप्ट कर लेगा, दोबारा ए आएगा बी आएगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा. ठीक है, ए बी स्टेरिक में क्या क्या चीजें यूज है, लेमडा इंक्लूड है, लेमडा में एक्सेप्ट हो जाएगा, ए बी को एक्सेप्ट करना है ए बी एक्सेप्ट हो जाएगा, ए बी को एक्सेप्ट करना है तो ये ए बी को एक्सेप्ट हो जाएगा. लेकिन अब यहाँ पे इशू क्या आएगा, सपोज किया मेरे पास ए बी ए आता है तो ये एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे क्या है ए बी और देन अगेन ए आया तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा. ठीक है, तो मुझे ये जो ट्रांजिशन मैंने यहाँ पे यूज की है, जब आपके पास दो चीजें आ गई हैं तो अब आप ये वाला काम जो है ये यूज नहीं कर सकते, अब बी को आपको किसी दूसरी साइड पे लेके जाना पड़ेगा. तो आप यहाँ से क्यू टू से हम लोग एक ट्रांजिशन ले लेते हैं और किसी और स्टेट की तरफ. ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और स्टेट बना लेते हैं,
ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपने रटा लगाया हुआ है हर चीज का, अब ए बी स्टैटिक अगर सिंपल था तो फिर तो आपका वो जो हमने प्रीवियस भी बताया था वो आपका ओके था, लेकिन अब ए स्टैटिक प्लस ए बी स्टैटिक के लिए अब वो ओके नहीं है, ठीक है। तो मे बी आपने भी एक चीज देखी हुई है और बाद में आप कहें कि नहीं हमने तो ठीक करके आए थे लेकिन पेपर में हमारे मार्क्स ठीक नहीं आए, तो ये इशू यहाँ पे इस तरह के हो सकते हैं। तो इसलिए ऑटोमेटा जो कोर्स है आपका, इसमें आपके कॉन्सेप्ट लाजमी क्लियर होने चाहिए। क्लियर नहीं होंगे तो फिर इश्यू आपके लिए बनता रहेगा। अब यहाँ पे आपकी जो ट्रांजिशन है वो क्या होगी बी की, तो आपका ए बी आया अगर तो आपकी ये स्टेट जो है एक्सेप्टेड स्टेट होगी, तो हम इसको एक्सेप्टेड स्टेट बना लेते हैं। अब यहाँ से अगर मेरे पास अगेन ए आता है तो वो आपका हम लोग इसको क्यू टू पे ले आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये ट्रांजिशन कौन सी है, ए की है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें पहला ए आया फिर बी आया, ये एक्सेप्ट हो गया। अब ए बी जब तक नहीं आएगा उसके बाद, फर्स्ट टाइम जब आपका ए बी आ गया तो उसके बाद जब तक आपका ए बी नहीं आएगा आपकी एक्सेप्ट स्ट्रिंग नहीं होगी। तो ये आपका ए बी ए बी ए बी ए बी इनफाइनाइट टाइम भी आए तो ये इसको एक्सेप्ट करती रहेगी। अब दूसरी हम बात कर लेते हैं, जो हमने बात की थी कि आपके पास अगर ए स्टैटिक हम लोग यहाँ पे यूज करने की बजाय हम लोग क्यू जीरो पे ए स्टैटिक यूज कर लेते हैं, कि सपोज किया मैंने यहाँ पे ये चीजें सारी यूज ना की होती, मैं यहाँ पे सब कलर चेंज कर देता हूँ, सपोज करते हैं हम लोग ये यहाँ पे ना करते, ठीक है, ये कुछ भी ना लिखते, और यहाँ पे मैं यहाँ पे सेल्फ लूप यूज कर लेता ए के लिए, और यहाँ पे मैं ए की ट्रांजिशन लिख लेता हूँ। अब ए स्टैटिक के लिए तो ये ओके है, कि लैम्डा के लिए ओके है, ए जितनी दफा मर्जी आ जाए ये ओके है, लेकिन अब इसमें इश्यू क्या होगा कि अगर सपोज किया ए ए और देन ए बी आता है, ठीक है, तो ये इसमें एक्सेप्ट कर लेगा। आपका 4 टाइम ए आया, देन उसके बाद अगेन ए आया, देन उसके बाद बी आया, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगी, लेकिन ये एक्सेप्ट होनी नहीं चाहिए, ठीक है। जब आप एक दफा किसी एक साइड पे निकल पड़े, आप इस साइड पे आ गए, तो ये देन इसी को जस्ट ये एक्सेप्ट करेगा, और अगर ए बी की साइड पे है आप तो ये जस्ट ए बी वाली साइड पे एक्सेप्ट करेगा, अब ये दूसरी साइड पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर इस साइड पे है तो इसी साइड वाली स्ट्रिंग जो है एक्सेप्ट होगी, अगर इस साइड पे है तो इसी साइड वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, या इस साइड से इस साइड पे नहीं आना चाहिए। ये इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जब भी हमारे पास प्लस का साइन आ रहा हो तो हम इनिशियल स्टेट से आगे मूव ऑन होके हम उसको एक्सेप्ट करवाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो फाइनल जो आपका एनएफए बनेगा इसके लिए वो ये बन सकता है। इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग आप ये कर सकते हैं कि सपोज किया आप यहाँ पे इस ए की जगह आप यहाँ पे लेमडा यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे लेमडा यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपका पॉसिबल है कि आप जब आपके पास ए स्टेरिक है तो आप क्यू नॉट से क्यू जीरो से क्यू वन पे आए और देन यहाँ पे आपका ए आपको मिलता रहा, तो ये चीज हो सकती है। बाकी इसमें आप फर्दर चेंजिंग करेंगे तो आई थिंक ये इश्यू बनेगा। बाकी आप अगर स्टूडेंट्स को देखें, आप यही चीज स्टूडेंट को देंगे तो मुख्तलिफ आपके एनएफए बन सकते हैं, उसमें स्टेट ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, ठीक है। कम होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लेकिन ज्यादा हो सकती है। आपकी जो ट्रांजिशन है उनकी डायरेक्शन मुख्तलिफ हो सकती है, ठीक है। तो मोर देन वन आपकी एनएफए मशीन पॉसिबल हो सकती है किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज या किसी स्पेसिफिक स्ट्रिंग के लिए, तो उसमें इतना इशू नहीं होता। बाकी वक्त के साथ साथ आप लोग ये सीखते जाएंगे, आप इसमें एक्सपर्ट बनते जाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और इसमें जो कन्फ्यूजन है वो कोई कन्फ्यूजन ऐसा नहीं होगी। कोई कन्फ्यूजन फिर भी हो तो आप लोग कमेंट से पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देंगे, तो जो भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूंगा यहाँ पे एनएफए की, पीडीए की, रेगुलर एक्सप्रेशन की, इसके अलावा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, तो उन सब में आप एक्सपर्ट बन के आप अच्छे ग्रेड भी ले सकते हैं और अच्छा अर्न भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।